नमस्कार, कर्मा आयुर्वेदा के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, जहां आप किडनी और किडनी के आयुर्वेदिक उपचार से जुड़ी सभी तरह की जानकारी आसानी से पा सकते हैं। मैं एक रीनल डाइट एक्सपर्ट हूं और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप सिर्फ कुछ दिनों में किडनी के लिए एक हेल्दी भविष्य की नींव बना सकते हैं, यानी सिर्फ कुछ दिनों में आप कैसे अपनी किडनी को डिटॉक्स कर सकते हैं। अगर सही समय पर अपनी बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन पर ध्यान दिया जाए तो कई हेल्थ रिलेटेड डिसऑर्डर्स को होने से रोका जा सकता है। तो आज इस वीडियो में हम आपको किडनी डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस के बारे में बताएंगे। ध्यान दें, किडनी रोगी किसी भी बदलाव से पहले डाइटिशियन या डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और स्क्रीन पर मौजूद बेल आइकन को दबाएँ और पाएँ हमारे चैनल से जुड़ी सभी अपडेट्स अपनी स्क्रीन पर। तो चलिए बात करते हैं किडनी डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस की। किडनी डिटॉक्स करने में आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शरीर में पानी का स्तर बनाए रखना। आपके ब्रेन से लेकर लिवर तक को काम करने के लिए कम से कम 60% पानी की ज़रूरत होती है। किडनी को यूरिन के साथ इम्प्योरिटीज़ बाहर निकालने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। यूरिन के जरिए शरीर में से वेस्ट और अनावश्यक टॉक्सिक चीज़ें बाहर निकल जाती हैं। अगर आप कम पानी पीते हैं तो हो सकता है किडनी ठीक से काम ना करे और किडनी में स्टोन बन जाए, क्योंकि पानी की कमी ही किडनी में कई परेशानियों का कारण बनती है। हमारे रोज़मर्रा के जीवन में हम पानी की मात्रा पर ध्यान नहीं दे पाते, इसलिए आप 21 दिन पानी की मात्रा पर खास ध्यान दें। अपनी किडनी को हेल्दी रखने के लिए करीब 3.5 से 4 लीटर पानी पिए। लेकिन याद रखें, अगर आप किडनी की बीमारी से ग्रस्त है तो आपके लिए 1.5 से 2 लीटर पानी ही पर्याप्त है। अब मैं आपको बताऊंगी कुछ होम रेमेडीज़ के बारे में। किडनी की हेल्थ और डिटॉक्सिफिकेशन को बेहतर रखने के लिए सेब का सिरका भी फायदेमंद रहता है। सेब का सिरका इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और शरीर से वेस्ट को बाहर निकालने में मदद करता है। इसमें एसिटिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड होता है, जो दोनों तत्व उन पदार्थों को तोड़ते हैं जो शरीर में स्टोन बनाते हैं और वेस्ट को जमाते हैं। आप दिन में नींबू पानी का सेवन भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मौजूद सिट्रिक एसिड भी किडनी डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। लेकिन किडनी रोगी इन दोनों ही नुस्खों को ना अपनाएं, उनके लिए हानिकारक हो सकता है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपनी किडनी को हेल्दी रखना चाहते हैं और फ्यूचर में किडनी की बीमारी से जूझना नहीं चाहते। चलिए अब बात करते हैं योग की। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए योग सबसे बेहतर विकल्प है। आपको कुछ आसनों के बारे में बताते हैं जो किडनी को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं। भुजंगासन, नौकासन, सेतुबंध आसन और पश्चिमोत्तासन, ये कुछ आसन हैं जो आपके लिए काफ़ी असरदार साबित होंगे। तो इसलिए अब वक्त ना होने का बहाना छोड़कर अपनी हेल्थ के लिए योग का सहारा लें। योग करने से काफ़ी इम्यूनिटी भी बढ़ती है, जो कोरोना जैसी महामारी के संक्रमण से भी आपको बचा सकता है। इसलिए रोज़ाना योग करें। सुबह और शाम के समय योग करने से आपको ज़रूर बहुत लाभ होगा। अब बात करते हैं आपकी डाइट की। आप में से बहुत से लोग घर में रहकर नई नई चीज़ें खाने की फरमाइश करेंगे, लेकिन किडनी डिटॉक्स करने के लिए आपको अपनी डाइट पर थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा। आपको ऐसे फलों और सब्जियों का सेवन करना है जो आपकी किडनी पर दबाव ना बनाएं या आपके किसी भी ऑर्गन पर दबाव ना बनाएं। आप जितना सिंपल और न्यूट्रिशियस डाइट लेंगे आपके हेल्थ के लिए उतना ही अच्छा है। जो लोग किडनी की बीमारी से पहले से ही ग्रस्त हैं, वे भी अपने खाने पर पूरी तरह से ध्यान दें। आप मैदा, नमक व चीनी का सेवन कम करें। हेल्दी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज अच्छी सेहत के साथ वजन भी काबू रखता है, जो किडनी को हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी है। मैग्नीशियम किडनी के लिए बहुत ही ज़रूरी तत्व है। मैग्नीशियम वाली चीज़ें जैसे कि गहरे रंग की सब्जियों का नियमित सेवन शरीर में कई रोगों के लिए फायदेमंद है। अगर किडनी की समस्या रहने लगी है तो खाने में नमक, चीनी, सोडियम और प्रोटीन की मात्रा कम कर दें। इससे शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखने में आपको मदद मिलेगी। आपको प्रोसेस्ड फूड आइटम्स या मांसाहारी भोजन के सेवन से भी परहेज करना चाहिए। कुल मिलाकर आपको सिंपल और न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है। आप डाइट से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर डिस्क्रिप्शन एरिया पे मौजूद है। और मेरी फेवरेट एडवाइस, ग्रीन टी पिए, लेकिन इसका सेवन भी सीमित मात्रा में ही करें, बहुत ज़्यादा नहीं। इसके साथ आपको यह भी बता दें कि कोई भी पेन किलर्स देने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। इस तरह से कुछ ही दिनों में आपके ऑर्गन और स्पेशली आपकी किडनी अच्छे से डिटॉक्स हो जाएगी। एलोपैथिक दवाओं के सेवन से शरीर पर कई तरह के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन आयुर्वेदिक दवाइयों का ऐसा कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता। आयुर्वेद किडनी से जुड़ी प्रॉब्लम्स का सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है। तो अगर आप या आपका कोई भी परिजन किडनी की बीमारी से सफ़र कर रहे हैं तो कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क करें और पाएं किडनी से जुड़ी हर समस्या का हल। आइए देखें कैसे कर्मा आयुर्वेदा का उपचार किडनी रोगियों को स्वस्थ जीवन दे रहा है। एंड नाउ द क्रिएटिनिन लेवल हैज केम डाउन टू 5.6। दोस्तों, आज हमारे साथ एक पेशेंट और जुड़े हैं, गुलाम
किब्रिया मिद्दा कहाँ के रहने वाले हैं? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में कहाँ से? वेस्ट बंगाल हुगली आरामबाग। हुगली आरामबाग। तो जब आए थे तो काफी समस्याएं हो रही थी, काफी प्रॉब्लम हो रही थी उस समय। क्या क्या प्रॉब्लम हो रही थी उस समय? आगे तो 8 पॉइंट हो गया था। 8 पॉइंट से चला गया था। अच्छा, रिपोर्ट से इनकी क्रिएटिनिन वाज अबाउट 8.3 के आसपास था इनका, और जब ये आए थे डायलिसिस बोल दिया था उस टाइम पे। हां, क्या बताया था नेफ्रोलॉजिस्ट ने आपको उंगली में? डायलिसिस। 8.3 तक पहुंच गया था, डायलिसिस एडवाइस कर दिया गया था इनको। उसके बाद इनके रिपीट टेस्ट हुए, फिर 6.1 हुआ क्रिएटिनिन लेवल, एंड नाउ द क्रिएटिनिन लेवल हैज केम डाउन टू 5.6 हुआ, और रेगुलर ये डिक्लाइन होता चला जा रहा है, और रेगुलर क्रिएटिनिन वगैरह इनका इंप्रूवमेंट आई, फिजिकली भी काफी इंप्रूवमेंट है, पहले से ठीक है, फिजिकली भी काफी अच्छे रिजल्ट्स आए, और साथ साथ क्रिएटिनिन यूरिया में भी बहुत अच्छे इनको रिजल्ट्स देखने को मिले। तो देखा आपने कैसे कर्मा आयुर्वेदा के आयुर्वेदिक उपचार से किडनी के मरीज एक स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। कर्मा आयुर्वेदा का पता और हेल्पलाइन नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। किसी भी जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल या सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। ऐसे ही ज़रूरी जानकारी से भरपूर वीडियो लेकर हम जल्द ही फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और खुश रहें। मास्क और हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। थैंक यू।